7:58 के बाद क्या करें क्या न करें, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें कि व्रत के समय सुबह से लेकर 7:58 तक अन्न ग्रहण ना करें, इससे पति को नुकसान होता है, पति बीमार हो सकते हैं, यह खास बातें होंगी। और चंद्रमा के पूजन के साथ साथ महिलाएं भगवान शिव, पार्वती और कार्तिकेय की पूजन करें। क्यों? तो कुमारी अवस्था में जो लड़कियां होती हैं वो भगवान शिव की पूजन करती हैं कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती अखंड पूजा करके भगवान शिव को प्राप्त की थी, उसी प्रकार महिलाएं शिव स्वरूप, शिव के समान अपने पति को चाहती हैं और प्राप्त भी कर लेती हैं। इसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो भगवान शिव की पूजन अवश्य करें, पार्वती जी की पूजन करें और कार्तिकेय जी की पूजन करें और अखंड सौभाग्य का उनसे आशीर्वाद प्रदान कर लें और चंद्रमा की पूजन तो अवश्य करें और अर्घ्य देना अति आवश्यक है। इससे महिलाओं का अखंड सौभाग्य बना रहता है और दीर्घायु पति होते हैं, यह निश्चित है। एक मंत्र भी बता रहा हूँ, अर्घ देते समय इस मंत्र का जप करें और इसके साथ ही कथा भी सुने, यानी करवा चौथ व्रत का कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है चंद्रमा का, आप नोट कर लें। ओ इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ दें, पति अवश्य दीर्घायु होगा।